की तरह मुझे छू भी तो रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर। टू माई शान स्वीट मोमेंट। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था डॉक्टर लैन क्यूट लिटिल वाइफ का, पेंचिंग और लैंगवांग जी बात कर रहे होते हैं वी मतलब हाँ वीन के बारे में। अब यहाँ पर बात करते करते पेंचिंग तो उसको वो बात नहीं बताती कि वो किसी के साथ वन नाइट स्पेंड कर चुका होता, और यहाँ पर लैंगवांग जी के मन में चल रहा होता है उसको मतलब जेलसी फील हो रहा होता है सॉन्ग लाइन से कि भाई वो मेरे क्या बोलूँ वो मेरे मेट के साथ काय है, वो मेरे पार्टनर के साथ क्यों है, उसको रहना नहीं चाहिए था। उसको मतलब दिमाग में ना अजीब अजीब बात चलने लगता है। सुना अपना वेंचिंग बोलती है रुको मैं उसे फिर से वापस कॉल करती हूँ, और फिर वेंचिंग वापस विंग को कॉल करती है। इस टाइम विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। अब जैसे वो फ़ोन पिक करता है ना तब भी उसको हल्का हल्का सा हंसी आ रहा होता है। तो वेंचिंग पूछ रही है कहा इतना खुशी का है इतना हंस क्यों रहे हो, तो विंग बोलता है आपको पता है यहाँ पर ना एक इतना फ़नी सीन चल रहा है ना कि मुझे मतलब सीरियसली बहुत गंदा वाला हंसी आ रहा था। अपना वो यहाँ पर ही वापस देख देख के हंसने लगता, फिर वो बोलता है सॉन्ग लाइन रुको मैं पूरा मत खा के ख़त्म करना मुझे भी वो खाना है रखना। अब जैसे वो ये बोलता है वो थोड़ा ये चिल्ला के बोलता है, अब तो भाई लैंगवांग जी भी सुन लेता है, उसको तो और गंदा वाला जेलसी होता है कि भाई अभी रात के 10 बज रहे ये किसी और के साथ क्यों है काहे है। अब वो जैसे ये सोच रहा होता है उसको ये नहीं पता था कि वो ओमेगा के अल्फा है, पठा उसको इतना जेलसी पड़ रहा था कि वो क्यों है उसके साथ। अब फिर वहाँ से फिर वेंचिंग हालचाल पूछती है वगैरह, फिर बोलती है जल्दी सो जाना ज़्यादा रात मत जगना वो तुम्हारे अभी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा बोलती है। फिर ये लोगों ने सब कोई फ़ोन कट कर देते, फिर यहाँ पर ही ये लोगों ने और कुछ ही दिन बाद ट्रैवल करके पता चलता है जहाँ पर ये लोगों का मेन ट्राइब था जाते हैं, पता चलता है वहाँ पर जो हर्बल मिलना था वो था ही नहीं, खाली एक हर्बल मिला था। वही हर्बल को लेके ये लोगों ना वापस आ जाते हैं अमेरिका आ जाते वापस। अब कुछ दिन बाद विंग भी ऑनलाइन क्लासेस करने लग गया था, उसके भी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कराना इजी था, वो हाफ़ सेमेस्टर तो वहाँ किया था और हाफ़ सेमेस्टर यहाँ कर रहा था। फिर दूसरे दिन ये लोग उन सबको आ जाते हैं, तो वेंचिंग इसको विंग को बोलते हैं तुम्हारे कॉलेज का सब कुछ हो गया है, तुम्हारे जो मेडिकल का ट्रेनिंग था उसका भी सब कुछ हो गया, बस हाफ़ सेमेस्टर बचा है ना उसका। तो विंग भी बोलता है हाँ हाफ सेमेस्टर बचा, उसके बाद मैं भी फुल डॉक्टर बन जाऊँगा, डिग्री विग्री आ जाएगी मेरे पास भी। अब वो ऐसा बोलता है तो वेंचिंग बोलती है हाँ तो उसका एग्ज़ाम्स वगैरह होगा, इतने दिनों तो तुमने ऑनलाइन क्लासेस किया क्योंकि प्रोफेसर ने अलाउ किया था, बट अब ये एग्ज़ाम होगा तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है, सो तुम्हें ये कॉलेज जाके देना होगा, ये तुम ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो अब जैसे विंग ये जानता है वो भी बोलता है चलो भाई थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए घर में भाई और कितना दिन मैं रहूँगा। अब वो जैसे ये सोचता है वो हाँ बोल देता है। फिर वेंचिंग लैन शुशैन को कॉल करके बुलाती है उनके अपार्टमेंट में। अब जैसे भी लैन शुशैन को कॉल करती है बोलती है तुम्हारा अर्जेंटली काम है जल्दी आओ और इस बार कोई मेलोड्रामा और बकवास मत करना कॉल में, क्योंकि लैन शुशैन भी समझ जाते हैं कि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा इसलिए वो मेलोड्रामा नहीं करता। अब वो डायरेक्ट वो लोग उनके अपार्टमेंट के वहाँ आ जाता है क्योंकि विंग का कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था कल से। तब लैन शुशैन को भी मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका एग्ज़ाम है तो उसको मतलब आने ले जाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब फिर लैन शुशैन वहाँ से निकल के अब वापस अपने घर जाता है। अब वो जैसे ही घर जाता है वहाँ पर ही लैंगवांग जी बैठा हुआ था मतलब लिविंग रूम में। अब जैसे वो घर के अंदर जाने लगता है लैंगवांग जी पूछते इतनी देर कहाँ थे तुम कहाँ गए थे, तो लैन शुशैन बोलता है मैं ना विंग के घर गया था मतलब। अब जैसे लैन शुशैन ये बोलता है वहाँ पर ये तो वांग जी को गुस्सा लग जा नहीं गुस्सा नहीं होता उसको जेलसी फील होता है भाई इसको बुलाया उसको क्यों नहीं बुलाया उसको भी तो बोल सकता था फ़ोन करके। सो वांग जी पूछता है किस लिए बुलाया था, तो लैन शुशैन बोलता है वो ब्रदर बात ये है ना कि ना मैं कल से ना थोड़े लेट करके आऊँगा वर्क में और मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मुझे ना विंग को कॉलेज छोड़ना उसका एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि वो दोनों ब्रदर
लवेन सिस्टर और ब्रदर का होगा नहीं, क्योंकि वो लोग दोनों को कहीं बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करना है जितना दिन विंग का एग्ज़ाम्स चलेगा। अब जैसे लैंड शुशन ये बोलता है वांग जी को, वांग जी बस लाइक तू रहने दे मैं छोड़ दूँगा, उसका शक्ल देख के ये लग रहा था, बट वो तभी हाँ बोल देता है। अब ये दूसरा दिन होता है, वो दिन तो जैसे तैसे करके कट जाता है। अब दूसरा दिन विंग एग्ज़ाम देने जाता है कॉलेज। अब जैसे ही उसको लैंड शुशन पिकअप करने आता है उसके घर अपार्टमेंट के वहाँ, अब विंग तो कार में बैठता है, लैंड शुशन बोलता है तुम कितने क्यूट हो, अरे तुम्हें ना मैं तुम्हारे कोई निकनेम है क्या जिससे मैं तुम्हें बुला सकूँ, विंग ना मुझे बुलाने में अच्छा नहीं लगता कोई ऐसा और क्यूट सा निकनेम। सो ना विंग बोलता है हाँ है ना एंग, आप मुझे एंग बुला सकते हो, एंग भी मुझे बहुत कम पर्सन है या मेरे बहुत कम करीबी इंसान है जो मुझे एंग बुलाते हैं, वेंचिंग और वेंडिंग तो मुझे आइंग बुलाते हैं, वो एंग तो बुलाते ही नहीं है। सो आप मुझे एंग बुला लो, क्योंकि जो मेरी मदद थी वो मुझे एंग बुलाया करती थी, बट वो नहीं थी तो फिर उसके बाद मेरी दीदी थी जो अब नहीं पता उनको क्या हो रहा है आजकल, जो अब मुझे एंग नहीं बुला रही है। अब जैसे विंग तो पता नहीं था कि उसकी मतलब स्टेप सिस्टर लोगों ने ऐसा कर सकती हैं, वो तो बेचारा मासूम सा बोल रहा होता है, क्योंकि लैंड शुशन को भी ये लोगों ने घर का कुछ कुछ मामला पता था कि मतलब विंग के फादर को कौन पसंद किया कौन नहीं किया। सब यहाँ पर ही उसका विंग का तो पहला एग्ज़ाम अच्छा जाता है, फिर दूसरा एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है, ऐसे करते करते ना उसका लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम आ जाता है। अब यहाँ पर ही अब वो जैसे कॉलेज में जाता है इस दिन ना उसको ना लैंग वांग जो पिकअप करने आता है छुट्टी के टाइम, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है अब वो ना लैंग वांग जो कार के पास आते आते ना उसका ना सर बहुत घूमने लगता है, मतलब अजीब सा उसको फीलिंग आ रहा होता है, क्योंकि कुछ दिनों से उसको उल्टी भी हो रहा होता है, उसको लगता है ना उसको कुछ सीरियस सा बीमारी हो गया है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि कुछ ना कुछ तो उसको हुआ ही है उस रात के बाद से, या कोई उसको पॉइजन कर दिया या कोई उसको मारने का कोशिश कर रहा होगा। तो अब जैसे उसको अजीब लगता है ना, वो डायरेक्ट लैंग वांग जी के कार के सामने आके वो गिरने वाला था, बट लैंग वांग जी उसको पकड़ लेता है। वो देखता है कि विंग मतलब पूरा ही अनकॉन्शियस हो गया है। अब उसको कार में वो लिटा के ना एग्ज़ामिन करने लगता है, उसको पता चलता है कि मतलब वो उसको एग्ज़ामिन करने लगता है, बट उसको उतना क्लियरली पता नहीं चलता विंग को क्या हुआ। अब वो ना उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, फिर यहाँ पर उसको और भी इम्पोर्टेंट काम था, तो वो वेंचिंग वेंडिंग और लैंड शुशन को कॉल करके बोल देता है विंग को देखो वो अनकॉन्शियस हो गया, मुझे एक इमरजेंसी सर्जरी करने जाना है। अब जैसे वो ये बोलता है वेंचिंग वेंडिंग और लैंड शुशन, ये लोग उन तीनों आके विंग को देखने लगते हैं, क्योंकि ये भाई ये बंदा अनकॉन्शियस हो गया था, वो बहुत कम आजकल खा भी रहा था, उसको वो उल्टी भी कर रहा था घर में। तो वेंजिंग को तो पहले लगता है कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लोगों ने मतलब फिक्स करके रखे थे कि इसको एक दिन हॉस्पिटल लेके चलते हैं और फुल्ली इसका चेकअप करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जो जो मतलब सामान था वो चीज़ घर में नहीं था ये लोगों के। सो ये लोगों का मतलब एग्ज़ाम के बाद का प्लानिंग था, बट इनको क्या पता था कि उसी दिन ये लोगों का मतलब फाइनल एग्ज़ाम होगा, फिर उसी दिन इसका सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर ही ये लोगों ने एक स्पेशलिस्ट जो फुल बॉडी चेकअप वाले डॉक्टर थे जिनका भी औहदा लैंड वांग जी के जितना ही था हॉस्पिटल में, उनको बुलाया जाता है। अब वो विंग का चेकअप करते हैं, उन्हें पता चलता है कि विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था। अब जैसे ही वो बाहर निकलते उनको तो भाई पता नहीं था इनके फैमिली में चल क्या रहा, वो बस लाइक वेंचिंग को वो गले में बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं किए, तुम आंट बनने वाली हो, वो अब उसको गले में पूरा ये कर मतलब पूरा हैप्पीनेस से बोल रहे होते उसको। फिर अब जैसे ये बात वेंचिंग वेंडिंग और लैंड शुशन सुनते वो लोगों तो पूरा शॉक भाई कि अब विंग को क्या हो गया, अब उसको बताएंगे कि क्या, वो भाई बेहोश होकर उठेगा तो उसको क्या बताएंगे। अब ये लोगों उन सबको को अलग से ही झटका लग रहा होता है, और उधर वो डॉक्टर अलग से खुशी बना रहा होता, वो बोलता है भाई मुझे तो पार्टी चाहिए, तुम अंकल और आंट पर रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले, है इतना बड़ा धोखा। वो ये सब कर रहा होता है, लैंड शुशन उसी टाइम उसको टान के लेके साइड में जाता है, बोलता है ए भाई तू अभी निकल, तू कुछ देर बाद आना, अभी हम लोगों को सीरियसली मैटर को सॉल्व करना है, तू निकल भाई प्लीज़ निकल, वरना देख लेना भाई गुस्सा अगर हम लोगों को आएगा ना तो कुछ ज़्यादा ही कुछ कर बैठेंगे, जो आपका औहदा बड़ा है हम लोगों ने आपको रिस्पेक्ट करते, बट मेरा मुँह से कुछ और ना निकल जाए प्लीज़, इसलिए आप चले जाइए। अब
लैंगशुरे ने उसको रिस्पेक्टली मतलब भगा तो देता है वहाँ से। फिर अब ये लोग सोच रहे थे विंग को बताए तो क्या ही बताए। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। अब इसके आगे तो और मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो, और प्लीज़ व्यू अच्छा देना। ओके बाय स्वीटीज़ एंड बाय क्यूटीज़।